Hello everyone. Hello and welcome to Amul Facebook Live. My name is Hina and I'm from Delhi. Once again I'm back with a new recipe of Modak. जो हम मोदक सीरीज कर रहे हैं उसमें आज एक नया फ्लेवर मोदक का हम बनाएंगे और स्टार्ट करें बनाना. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. स्टार्ट करेंगे बनाना. तो आज हम बनाने वाले हैं नारियल मोदक, जिसको हम बनाएंगे नारियल से. तो यहाँ पर मैंने ये एक कटोरी नारियल लिया है और इतनी ही कटोरी मैंने मिल्क लिया है. यहाँ मैं अमूल मिल्क ले रही हूँ और 50 ग्राम्स मैंने अमूल का मिठाई मेड लिया है और एक छोटा चम्मच मैंने घी लिया है. और बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए नारियल का मोदक बनाने के लिए. तो स्टार्ट करें बनाना. हेलो, ऑन कर लिया है और यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे 1 स्पून ऑफ घी. यहाँ एक छोटा स्पून है ये, मैं एक छोटा चम्मच इसमें अमूल काव घी डाल रही हूँ. हमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं है इसमें. और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये जो नारियल का बुरादा मिलता है मार्केट में, वो मैं ले रही हूँ और इसको हम थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर देंगे फ्रेग्रेंट होने तक. ये बहुत ही इंस्टेंट और क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाएगी क्योंकि आपको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए नहीं. तो आपको सिर्फ नारियल चाहिए, दूध चाहिए और अमूल का मिठाई मेड चाहिए. तो जब तक ये भुन रहा है लोग देख लेते हैं कि इसमें जॉइन किया है. हेलो, तो यहाँ ये नारियल भुन गया और मैं इसमें डाल दूंगी दूध. इसमें मैंने ऐड कर दिया है मिल्क. इसमें मैंने 1 कटोरी, जितना हमने नारियल लिया था उतना ही मैंने इसमें मिल्क ले लिया है. और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल पैन को छोड़ नहीं दे. तो इसको पकने में हमें 10 मिनट्स से ज्यादा लगेगा. हाय सोनिया, हेलो अमित, ओके, यू ट्राइड पान मोदक सोनिया? ओके, कैसे लगे, कैसे बने आप बता सकते हो मुझे कि अगर आपने रेसिपी ट्राई करी तो आपकी रेसिपी प्रॉपर बन के आई कि नहीं. तो यहाँ पर ये जो कोकोनट का मिक्सचर है ये मैंने ऑलरेडी बना के ठंडा किया हुआ है. हमें कुछ नहीं करना, हमें एक कटोरी, एक कोई भी आप मेजरिंग कटोरी ले लेंगे, उस मेजरिंग कटोरी से आप नारियल का बुरादा लेंगे और उतनी ही क्वांटिटी में आप इसमें डालेंगे मिल्क. पहले घी में थोड़ा सा नारियल को भून लेंगे, उसके बाद उतना ही मिल्क ऐड करके उसको पूरा रिड्यूस कर देंगे हम उसको कुक कर करके. जब वो बिल्कुल सूख जाएगा दूध तब हम उसमें ऐड करेंगे अमूल का मिठाई मेड. ये हम डालेंगे 50 ग्राम्स डालेंगे, समझ लीजिए 2 टेबलस्पून
टू टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये पैन ना छोड़ दे और वो इस कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए। इस तरीके से वो ड्राई हो जाएगा और जब ठंडा होगा तो वो और भी ड्राई हो जाएगा। तो अब ये आपका बिल्कुल परफेक्ट मोदक बनाने के लिए बैटर तैयार हो गया है। आप इससे नारियल के लड्डू बनाइए, आप इससे नारियल के मोदक बनाइए, इट्स परफेक्टली फाइन। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसको अगर प्लेट में जमा के नारियल की बर्फी भी बना सकते हैं सेम इसी तरीके से। बस नारियल की बर्फी बनाते वक्त आपको उसको थोड़ा सा हल्का सा एक परसेंट थोड़ा सा गीला रखना है कि वो अच्छे से ऐसे स्प्रेड हो जाए। उसके बाद जब ठंडी होगी तो वो काफी थोड़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगी, लेकिन लड्डू बनाने के लिए हमें उसे शेप करना पड़ता है तो हमें थोड़ा सा और ड्राई करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने ये ऑलरेडी बना के और कुक करके ठंडा करके रखा है। तो स्टार्ट करें इसके मोदक बनाना। आपको रेसिपी क्लियर हो गई है तो हम स्टार्ट करें बनाना। बहुत ही इजी है, बस अब आपको क्या करना है, हाथ में हल्का सा आप अपने हाथ को ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से और घी से ग्रीस कर लेंगे और छोटे छोटे हम हाथ से मोदक बनाएंगे। मिल्क जितना आपने नारियल का बुरादा लिया है उसी मेजरिंग कटोरी से आप मिल्क भी ले लीजिए। यहाँ मिल्क पक रहा है, मैंने डाल दिया है और जब तक ये रिड्यूस होके बिल्कुल सूख नहीं जाएगा तब तक मैं इसको कुक करूंगी। लेकिन मैंने ये एक बार प्रोसेस करके रखा है और ठंडा करके रखा है बिकॉज लाइव में अभी हम इसको रिड्यूस करेंगे, उसके बाद इसमें हम अमूल का मिठाई में ऐड करेंगे तो उसको भी रिड्यूस करेंगे तो 15 मिनट्स हमें लगेंगे और उसके बाद ठंडे होने के लिए भी हमें 15 टू 20 मिनट्स चाहिए फ्रिज में रख के। तो इस तरीके से हम मोदक का हाथ से ही अपने शेप दे देंगे या आप मोदक मोल्ड से भी बना सकते हैं। मोदक मोल्ड में मैं देख लेती हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना हाथ से तो हम मोदक का शेप दे ही सकते हैं बिकॉज नारियल का थोड़ा टेक्सचर ऐसा थोड़ा सा खुला खुला होता है ना, तो जब हम इसको खोलते हैं तो प्रॉपर विल जस्ट ड्राई। वरना आज मैंने सोचा था कि मैं हाथ से ही इसको शेप दूंगी बट मोदक मोल्ड में थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है तो हम ट्राई कर लेते हैं इसके अंदर बनाना। तो यहाँ मैंने मोदक मोल्ड में डाल दिया है। आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, किसी किसी को थोड़ा सा पिंक कलर पसंद होता है नारियल के लड्डू में तो आप इसमें पिंक कलर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये मोल्ड से बना लिया तो ये बहुत अच्छे निकल के आए हैं, आप देखेंगे नारियल के मोदक। और इसके ऊपर हम, अगर आपको चाहिए तो आप ड्राई नारियल के अंदर डिप करके इस तरीके से भी बना सकते हैं और अगर आपको बिना बुरा लगाए बनाना है तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कितने परफेक्ट हमारे नारियल के मोदक रेडी हुए हैं और इस इतनी क्वांटिटी के लिए मैंने 50 ग्राम्स ऑफ अमूल का मिठाई मिक्स यूज किया है। तो यहाँ ये मेरी प्लेट है और मैं इसमें मोदक को रख दूंगी। इसी तरीके से हम और भी मोदक बना लेंगे। तो हर बार हमें मोल्ड के अंदर थोड़ा सा घी लगाना है और जब ये वार्म होगा ना तब आप अगर इसके मोदक के मोल्ड में मोदक बनाएंगे तो ये नहीं बनेगा, ये टूट जाएंगे। अभी ये काफी देर हो गई मुझे इसे रख के, ये काफी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है तभी इसके मोदक मोल्ड में मैं बना पा रही हूँ। पहले मैंने थोड़े वार्म में ट्राई किए थे तो नहीं बन रहे थे। तो ये अब हमने मोदक मोल्ड को यूज करके मैं मोदक बना रही हूँ। ऑब्वियसली हम ऐसा शेप हाथ से तो नहीं दे सकते बट तो ये बहुत अच्छे मोदक मोल्ड में भी बहुत अच्छे बनके रेडी हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इसकी किनारी आप इस तरीके से साइड से जब हम इसको प्रेस करते हैं ना तो थोड़े थोड़े बाहर आ जाते हैं। तो आप देखो कितने परफेक्ट मोदक हमारे नारियल के निकलते हैं, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही जूसी ये मोदक तैयार हुए हैं हमारे नारियल के। बहुत ही इजी इंस्टेंट हम स्वीट घर पे बना सकते हैं इस तरीके से।
एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। तो यहाँ अभी तक दूध मैंने उसमें डाल दिया और मैं मिक्स कर रही हूँ, अभी तक सूखा नहीं है क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटी कटोरी लिया था, ये छोटी सी कटोरी है, इतने में से हमारे 4 काफी अच्छे साइज के मोदक रेडी हो जाएंगे, 4 to 5। अगर आपको बिना इसके ऊपर नारियल का भूरा लगा के बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मगर अभी मैं लगा दे रही हूँ क्योंकि वो एक स्नोई इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन किसी किसी को ये खाली जो ड्राई नारियल होता है वो नहीं अच्छा लगता, तो वो लोग इसको टोटली ओमिट करके इसको वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ अभी हमको कितने मिनट्स हो गए हैं, तो यहाँ ये अभी तक मिल्क मेरा रिड्यूस नहीं हुआ है। अब देखेंगे ये पैन में ये अभी भी गीला है। तो रेसिपी देखते देखते आप बोर ना हो इसलिए आधा प्रोसेस मैं करके रखती हूँ कि फटाफट से सारी रेसिपी आपको पता चल जाए कि कैसे बनी, कैसे बनेगी, आपको वेट ना करना पड़े। तो इसी तरीके से हम प्रेस करके मोदक बना लेंगे। तो यहाँ इतनी छोटी सी कटोरी मैंने जो नारियल का बुरादा लिया उससे हमने 4 मोदक बना लिए। जस्ट क्लीन माई हैंड्स एंड कम। कल कौन सा मोदक बनाएंगे ये तो सस्पेंस ही रहना चाहिए, तभी आप लोग सब ज्वाइन होंगे। ज्वाइनिंग में तभी मजा आएगा ना जब सस्पेंस रहेगा। तो आज ये हमने नारियल के मोदक बनाए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे जूसी टेस्टी मोदक हमारे रेडी हुए हैं। और आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ गणपति पूजा में बहुत ही इंस्टेंटली इसको बना सकते हैं और प्रसाद चढ़ा सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, थैंक यू अमन फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं फिर नए फ्लेवर के साथ, बाय एवरीवन।